आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, लेकिन आप लोग क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम करने के लिए 3 महीना 6 महीना साल भर लगा देते हो और अभी तक आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे नए क्रिएटर मुझे बोलते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताओ, किसी हम वेबसाइट पर चले जाएं जो फ्री वेबसाइट हो या फिर किसी एप्लीकेशन से हम 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको आपकी गलती बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं बढ़ पाता है, और यहाँ पर आप लोगों में ये भी बताऊँगा कि कैसे आप फास्ट तरीके से अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोचकर आए हो कि मैं किसी वेबसाइट पर लेकर जाने वाला हूँ या किसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, तो अभी के अभी ये वीडियो छोड़कर आप लोग चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन अगर आप लोग सच में जानना चाहते हो कि कैसे आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इसी के अंदर में आपको आपकी गलती का पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी नए क्रिएटर हैं वो या तो अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो डालते हैं या फिर शॉर्ट वीडियो नहीं डालते हैं, तो वो जो वीडियो होती है वो उनकी 1 मिनट 1.5 मिनट या 2 मिनट तक की वीडियो होती है। अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो तो इसके वजह से आपकी वीडियो पर वॉच टाइम नहीं बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो आपके शॉर्ट वाले सेक्शन से देखा जाता है, जिसके वजह से आपके चैनल पर जो है वॉच टाइम नहीं बढ़ता है, क्योंकि शॉर्ट वाले सेक्शन का जो है वॉच टाइम यूट्यूब जो है इंक्लूड नहीं करता है। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो तो सोचो यहाँ पर आपको लॉन्ग वीडियो डालना है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो से तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपके चैनल पर आसानी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉन्ग वीडियो डालना है अपने चैनल पर। अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो तो शॉर्ट वीडियो अपलोड करो, लॉन्ग वीडियो भी जरूर अपलोड करो। लॉन्ग वीडियो से आपके चैनल पर वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ता है। अब यहाँ पर आप लोग लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक की आप वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल रहे हो, नहीं, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको यहां पर वो भी देखना है कि आपकी वीडियो पर अगर कोई बंदा क्लिक कर रहा है, आपका व्यूअर, तो आपकी वीडियो कितने से कितने मिनट तक देखकर जा रहा है। अगर आपकी वीडियो 50% से ज्यादा देख रहा है या 50% तक देख रहा है तब भी आपके लिए बहुत बेटर है। इसका मतलब है आपकी वीडियो पर वो 2.5 मिनट देखकर जा रहा है, जो एक व्यूअर का 2.5 मिनट काफी ज्यादा है। और अगर इसी तरीके से आपकी डेली वीडियोस पर 200-500 व्यूज आता है, सोचो फिर आप लॉन्ग वीडियो बनाकर अगर आप डाल रहे हो और डेली आपकी वीडियोस पर इतने व्यूज आ रहे हैं या 50-60 भी आ रहे हैं ना आपकी वीडियोस पर व्यू, तो वो यहां पर उससे धीरे धीरे आपका वॉच टाइम तेजी से कंप्लीट होने लगेगा। सबसे पहला रीजन यही है। और दूसरी चीज, शॉर्ट वाले के बारे में मैंने बता दिया, अब बात करते हैं लॉन्ग वीडियो के बारे में। तो अगर आप 1.5, 2 या 3 मिनट तक की वीडियो बनाते हो तो आपको अपनी वीडियो का लेंथ और ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हो, सिर्फ लॉन्ग वीडियो डालना चाहते हो और वीडियो लॉन्ग डालते हो तो सिर्फ 1-1.5 मिनट तक की डालते हो, ज्यादा नहीं डालते हो, तो आपको यहां पर 3-4-5 मिनट 10 मिनट तक की वीडियो डालना है। लेकिन यहां पर वीडियो कुछ भी बनाकर नहीं अपलोड करना है, आपकी उस वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन, यानी कि कोई भी बंदा अगर आपकी वीडियो पर क्लिक करे तो आपकी वीडियो को 50% जरूर देखकर जाए। अब आप बोलोगे यार हम वीडियो लॉन्ग बनाते हैं लेकिन हमारी उस वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन यानी कि वॉच टाइम ज़्यादा नहीं आ पाता है, तो सबसे बड़ी जो गलती है आपकी खुद की है, क्योंकि आपने अपनी वीडियो को इतना एंगेजिंग नहीं बनाया, इतना सस्पेंस क्रिएट करके नहीं रखा अपनी वीडियो में, और ना ही यहाँ पर आपने अपनी वीडियो में कोई ऐसा एनिमेशन दिखाया जिससे आपके व्यूअर आपकी वीडियो पर क्लिक करें तो वो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप अपने ऑडियंस के अंदर में सस्पेंस क्रिएट करके रखो, उनको यहाँ पर एंगेजिंग करके रखो, और दूसरी चीज़ वो बोर ना हो तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमेशन दिखाया करो, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ, जिससे आपकी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लगती है। और अगर आप कुछ बता रहे हो उसको आप सही तरीके से समझाओ जिससे सामने वाला जो व्यूअर है आपकी वीडियो को देखे बिना जाए ना। और आप अपनी वीडियो को जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपकी वीडियो कुछ यूनिक तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए, इतना याद रखना, जिससे आपके व्यूअर आपकी वीडियो को देखे और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम अच्छे से आपके कैमरे के सामने आना चाहिए। जैसे समझ लो कि सामने मेरी फैमिली बैठी है और मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से आपको वीडियो बनाना है, तभी आपके चैनल पर जो है वॉच टाइम तेजी से इंक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो ये जो मैंने बताया है ये आपकी दूसरी गलती है जिसको आपको सही करना है, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है। अब बात करते हैं, ये दो गलती तो हो गई आप लोगों से जिसका मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया। तीसरी गलती है आपके चैनल पर वीडियो की क्वांटिटी कम होना। अगर आपके चैनल पर वीडियो की क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपकी वीडियो पर जो है वॉच टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके चैनल पर वीडियो की क्वांटिटी कम है, 10, 15, 20, 30 वीडियो डाल रखा है लेकिन यहाँ पर आपकी वीडियो पर वॉच टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, तो सबसे पहले गलती है आपको अपनी वीडियो की क्वांटिटी को ज़्यादा करना है, इतना याद रखना। आपको यहाँ पर मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ कि वीडियो की क्वांटिटी कम होती है ना तो आपकी वीडियोज़ पर उतना व्यूज़ नहीं आता। व्यूज़ इसलिए नहीं आता कि 10, 15, 20, 30 व्यूज़ आता है,
लेकिन अगर आपकी वीडियो की क्वांटिटी 50, 60, 70, 80, 100 अगर जिस दिन आपके चैनल पर आपकी वीडियो की क्वांटिटी हो जाती है तो यहाँ पर आपकी वो 100 वीडियो ही 4000 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट करके दे सकती है। इसीलिए आपको अपने चैनल पर हो सके तो 2 वीडियो डालो, सुबह एक, शाम को एक, 2 लॉन्ग वीडियो जरूर डालना है। उसका थंबनेल बढ़िया बनाओ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ, 100% कह रहा हूँ आप 1 महीना लगकर काम करो, आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। गाइज, लोग एक वीडियो डालते हैं उसके बाद 2-3 दिन के बाद एक वीडियो डालते हैं, ऐसा आपको काम नहीं करना है। आपको हो सके, आप एक नए क्रिएटर तो हो सके तो 2 वीडियो डालो डेली के डेली, लॉन्ग वीडियो सुबह और शाम, और कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपनी वीडियो के अंदर में, जिससे आपके व्यूवर जब क्लिक करे तो यहाँ पर आपकी वीडियो पर ऑडियंस अटेंशन ज़्यादा देकर जाए और आपकी वो वीडियो वायरल हो जाए, और वायरल हो गई तो मेरे हिसाब से वो एक ही वीडियो आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके दे देगी 2 दिन के अंदर में। तो इतना याद रखना। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे मेरे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, किसी के चैनल पर 40-50-60 वीडियो हो गई है, लेकिन उनके चैनल पर जो है वॉच टाइम इंक्रीज ही नहीं हो पा रहा, उनका वॉच टाइम बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले जो गलती कर रहे हो, आप वीडियो यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर नहीं बना रहे हो, आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगी, जिसकी वजह से कोई व्यूवर क्लिक कर रहा है तो क्लिक करने के बाद वो तुरंत वीडियो से आपके हट जाता है, क्योंकि आपने अपनी वीडियो को उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनाया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टैग कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, आपको हमेशा एक्टिव रहना है यूट्यूब पर, और आपको फाइंड करना है अपना टॉपिक कि किस तरीके की मुझे वीडियो बनाना है, क्या मैं यूनिक बता सकता हूँ अपनी वीडियो के अंदर में, और कैसे मैं अपने ऑडियंस को एंगेजिंग कर सकता हूं अपनी वीडियो पर, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम मिले। तो आपको इसी तरीके से 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना, मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूं आप इसको 1 महीने तक ट्राई करके देखो, और यहां पर आपके चैनल पर तेजी से 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। आपको कहीं भी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना किसी एप्लीकेशन की जरूरत है, ना यहाँ पर आपको किसी से पेड वॉच टाइम खरीदने की जरूरत है। अगर आप लगकर 1 महीने तक काम करो, और 1 महीने के अंदर में आपको 60 वीडियो डालना है, जो कि 2 वीडियो डेली डालना है, आप लगकर काम करो, डेली थंबनेल बनाओ, अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव थंबनेल, और वीडियो का जो लेंथ है उसको ज़्यादा रखो, और अपनी वीडियो के अंदर सस्पेंस और यहाँ पर एंगेजिंग बना के रखो, 100% आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 महीने से भी कम के टाइम में कंप्लीट होगा, और कोई भी वीडियो आपकी वायरल जा सकती है, और हो सकता है कि वो 2 दिन में या 4 दिन में ही आपकी वो वीडियो वायरल हो जाए और 4000 घंटे का आपको वॉच टाइम कंप्लीट करके दे। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आप एक नए क्रिएटर हो, आपके साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप जो है तेजी से अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम करके अपने चैनल को मोनेटाइज करें और यूट्यूब से आप पैसा कमाना स्टार्ट करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से मेरी आपको कुछ हेल्प मिली, तो प्लीज इस फैमिली में जुड़ जाओ, उस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी से जल्दी अपने भाई को सपोर्ट करो, जिससे मैं और भी नए क्रिएटर्स के चैनल को फ्री में प्रमोट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को फ्री में प्रमोट करिए सर। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उस लाल वाले बटन को दबा के। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए बस नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।